नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। क्या कहता है आप लोगों के 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, थोड़ा सा देखिएगा। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है, मान लिया समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ना लिया जाए, यदि एक्सप्रेस गाड़ी के औसत चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर पर हावर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों का औसत चाल एवरेज स्पीड अपन को फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ोगे, जब तक कि आपको उसमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, वो आपसे कहना क्या चाहता है ये आपको पता नहीं चलेगा। और जब तक पता नहीं चलेगा तब करोगे क्या, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर हावर आधे हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल हमको फाइंड करना है। अब मान लीजिए यदि सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है 11 x किलोमीटर पर हावर है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी एक्स किलोमीटर पर हावर, क्योंकि सवारी गाड़ी की औसत चाल से तो ये अंतर आ रहा है ना। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, तो मानते किसको, मानते उसी को जिससे हमें कोई क्लू मिल रहा हो। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, इसको हम मिटा ही देते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, जिसकी वजह से बोर्ड जो उठा पड़ा है। हम भी सोचा था कि इसी से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको जो है आप इक्वेशन जब बड़ी बड़ी बनने लगती है तो इससे सॉल्व करने में भी आपको परेशानी आने लगती है। ओके, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब वो आपसे क्या कहता है कि देखो 11 किलोमीटर अधिक हो तो इसकी जो एक्सप्रेस गाड़ी उसकी स्पीड जो है इससे 11 किलोमीटर अधिक है ना, तो फिर 132 किलोमीटर दूर तय करने में जो है कितना कम समय लगेगा, वो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो देगा, क्योंकि दूरी तय कितनी करनी है सॉरी गाड़ी की चाल इतनी है, अब उसका चाल में अंतर 11 किलोमीटर अधिक है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल एक्सप्रेस घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी होगी, इससे कितनी अधिक होगी, x प्लस 32 किराया कितना 11 किलोमीटर पर हावर, ये जरूर लगा देना, ठीक। अब देखना दोनों ही 132 किलोमीटर तय कर रही है गाड़ी, तो दोनों को ही तय करना है, जब दोनों 132 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो उनको अलग अलग समय लगेगा, इसको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है कि नहीं, चाल दूरी बटे चाल, ठीक है बेटा। दूरी तो ये भी 132 तय कर रही है, चाल कितनी इसकी 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको इतना समय लगेगा, और ये भी 132 तय कर रही है, इसको इतना लगेगा x प्लस 11 क्योंकि इसकी चाल इतनी है, और इन दोनों का अंतर दिया गया 1 घंटे का जो है दोनों में अंतर होता है, बस खेल कर दो, क्वेश्चन ही हो गया। 132 बटे x बन दिया हुआ है, एलसीएम ले लीजिए, इसका करोगे 132 कॉमन ही ले लीजिए, ठीक। यहाँ बचेगा अकेला x प्लस 1, यहाँ माइनस का x, कोई इश्यू आपको जिससे क्या है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 132 अंदर आप करते हो तो ये x प्लस का 1 माइनस का x, और इधर इसका गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा x x प्लस का 11, ये कट जाएगा, ये होगा 132 जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, इसको इधर ले जाइए 11x और माइनस का 132। अब 132 को हमें ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए 11x आना चाहिए, तो आप 33 × 11 करोगे, 33 × 2 कितना होता है, 33 × 2 कितना होता है, 33 × 2 30 होता है, वैसे तो
लेकिन आप फाइनली जो है लंबा मल्टीप्लिकेशन करने पर थोड़ा और जो है क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्वेश्चन बढ़ने से अच्छा है कि आप लोग इसको शॉर्ट में निपटाना होगा, क्योंकि ऐसे यदि आप करोगे तो लेंदी बहुत हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए कोई भी हर्ड छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक। तो इतने से कोई बन रहा है क्या? 33 और 11। इसको आपको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश मैं करता हूँ। एक्स प्लस 4 कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आपको भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे यदि आप इसको पूरा और खोलोगे तो कुछ आसान होने की संभावना है क्या? कुर्सी यदि आप इसको खोलते जाओगे कुछ आसान होने की संभावना है तो है शायद, लेकिन फिर क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को कम से कम में इसको जो है सॉल्व करना है 11 और 12। तो वो 11 और 12 10 × 11 कितना होता है? 132 के मल्टीप्लिकेशन आप तोड़ोगे तो कितना कितना आ सकता है? तोड़ना थोड़ा इसको, 132 को तोड़ना बेटा, 132 को तोड़ते हैं तो काफी लेंदी होने के चांसेस हैं, और लेंदी करने की मैं भूलना नहीं हूँ अभी आप लोगों के लिए। यदि आप इसको तोड़ते हो तो 132 और 11 × 132 को आप यदि कॉमन ही ले लोगे तो बेटर रहेगा। वैसे तो 130 यदि कॉमन ले लिया तो x - x ठीक है, अच्छा रहेगा। 132 को तोड़ दिया तो 11 और 3 आपको 11 ही चाहिए, और 33 - 4 × 3 = 6 × 12 × 11 ये भी 12 × 11 भी 132 होता है, 3 × 6 = 11 और 22 तो ये भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। यदि डिफरेंस नहीं आ रहा है तो फिर अपन प्लॉट किया जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन यदि नहीं आया तो फिर इसको हमें आगे बढ़ाना होगा, है ना। इसको थोड़ा रोक सकते हैं अपन, इसको अपन जैसे मैंने 132 आपको कॉमन लिया, कॉमन ना लेने की बजाय इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा। कॉमन लेने से आपकी बात बन नहीं रही है, बाकायदा आपका क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका सही था, मेथड सही था, लेकिन आपको फाइनल में जो है प्रॉब्लम होगी और कोई इश्यू नहीं है। ओके, फाइनल आंसर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो क्या है डायरेक्ट जो था इसका एलसीएम लेने के बाद जो मैं मल्टीप्लाई आपका कर रहा था वो आपको ऐसा कैसा करना ही होगा। मैं कर रहा था इसका एल, सॉरी ये वाला मेथड आपका सही था यहाँ पर, तो एक्स प्लस 11 और इसका एसी में डायरेक्ट ये वाला और इसका इसमें कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप करोगे तो 132 है, ये 132 × 1 ये होगा 132s और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 11x हो जाएगा। इस सब चीजों को इधर ही ले आना है, सब चीजों को आप इधर ही लेकर आ जाइए। 33 हो गया। ओके, अब क्या हो गया आपका 132x हो गया, ये सब कुछ भी हो गया। अब ये जो आपका दिया हुआ है 132 इसको हम 3 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, देखो मैं बतलाता हूँ अभी, जिससे क्या आसान हो जाएगा। इसको इधर ले आइए पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये जो दिया हुआ है 132 इसमें से कॉमन लेने से अच्छा आप लोगों का ये प्लस का और माइनस का मुझे कटते हुए दिख रहा है, यदि कट भी जाएगा तो 132 × 11 बच रहा है, 132 और × 11 बचता हुआ मुझे दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है बेटा 132 × 11 दिख रहा है यहाँ पर? कोई इशू यहां तक तो नहीं होना चाहिए, कोई इशू यहां तक नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। ओके, 132 × 11 है। अब आप इसे सॉल्व कर दो 11x फिर से भी कहीं ना कहीं आपका, हाँ आपको दिक्कत नहीं है। आप देखो इसको आप तोड़ सकते हो, ये 132 × 11 है, आप इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप 132 4 के रूप में, 33 और 4 के रूप में इसको तोड़ सकते हो। फाइनली गुणा करोगे कितना आएगा? 132 132 2 3 4 5 हो जाएगा, ये 4 1452 आएगा, इसको जीरो चल रहा है इधर सब कुछ। अब इसको आप तोड़ सकते हो 1452 में, यदि आप तोड़ोगे आंसर पहले भी आपका सही आता है, लेकिन आपका जो 11 का जो डिफरेंस हो रहा था वो कॉमन की वजह से आपका हो रहा था। ये शॉर्ट स्वीट तरीका वहां भी आप लोग आजमा सकते हो,
पर भी आप करके देखना, यदि आपका हो जाए इसका आप मल्टीप्लाई करते हो 44 × 33 आप करोगे तो आपका एक्चुअल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर घटाने पर ही आएगा क्योंकि जो है इसको किधर, इसको इधर ले करते हैं तो माइनस का है, ये माइनस का होगा ना, इधर भी माइनस का होगा, ये प्लस का था, माइनस माइनस करना है तो ये प्लस तो इसको माइनस का करना पड़ेगा बिल्कुल। अब ये आपका होगा 44x और माइनस का 33x, ये होगा माइनस का 45। ओके इसको आप कॉमन ले लीजिए, x को यदि कॉमन लोगे तो x प्लस कितना आएगा 33, सॉरी x प्लस 44, और यहां आप 33 कॉमन ले लीजिए कोई माइनस के साथ तो आपका कितना आएगा x प्लस 44, क्योंकि दोनों का मल्टीपल यही होगा 0 है, करके देख लीजिए आपका परफेक्ट होगा। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए बाहर, x प्लस 44 और ये होगा आपका x माइनस 33 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस का 44 और x इक्वल टू आ रहा है प्लस का 33। अब सोचना माइनस में तो कभी चाल हो नहीं सकती तो प्लस की ही काम करेगी, तो मान लिया सवारी गाड़ी की चाल 33 और इसकी कितनी होगी 44 ही होगी, 44 इसके हिसाब से नहीं ले रहे हैं, 33 में आप 11 जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? देखो कंडीशन एक बार और क्लियर करता हूँ, सवारी गाड़ी की उसने चाल हमने इतनी ली थी, वो उससे 11 किलोमीटर अधिक थी तो ये ले ली, 11 किलोमीटर जोड़ दिया। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, सवारी गाड़ी समय ले रही है 132/2 क्योंकि दूरी तय करे 132 किलोमीटर की, चाल है उसकी 1 किलोमीटर बराबर, जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 132 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और चाल है उसकी, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। फिर आप लोगों का क्या कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, एक है इन दोनों का डिफरेंस जो आपने किया एक कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ तक आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे जल्दी से बतला दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आप लोगों का एकदम एज इट इज परफेक्ट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।